श्री राम जी। हाँ प्लीज। धन्यवाद उपसभापति महोदय कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने देश में सदियों से गुलामी का जीवन जीने वाले दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को और वंचितों को संविधान में अधिकार देकर इन कमजोर वर्गों को, लोगों को बराबरी का दर्जा देकर मुख्य धारा में लाए और इनके सदियों की गुलामी को खत्म किया। इन संवैधानिक अधिकारों की वजह से दलितों, आदिवासी भी शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़े और इनकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ, जिससे आज इनके रहन सहन में सुधार हुआ। लेकिन देश में कुछ गंदी मानसिकता के लोगों को यह मंजूर नहीं और ये लोग ही पूरे देश में दलितों, आदिवासियों पर अत्याचार करते हैं। इसका कुछ ज्वलंत उदाहरण इस प्रकार हैं। राजस्थान में एक दलित नवयुवक जितेंद्र मेघवाल का मर्डर हुआ सिर्फ मूछ रखने पर और अच्छे कपड़े पहनने पर। अलवर में दलित नवयुवक को कार से कुचलकर मार दिया गया। ऐसे ही हनुमानगढ़ में दलित नवयुवक विनोद मेघवाल जगदीश मेघवाल का मर्डर हुआ। भरतपुर में दलित युवक के साथ मॉब लिंचिंग हुई, उसे मार दिया गया। अलवर, धौलपुर, डीडवाना में दलित लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया और यहां तक कि डीडवाना में लड़के की मौत भी हो गई। श्रीमान जी, ज्यादातर अपराधों में अपराधियों को सजा मिलती ही नहीं, इसलिए वहां पर दलितों और आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, ये एनसीआरबी की रिकॉर्ड भी कहता है। अतः आपके माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध है कि दलितों, आदिवासियों पर अत्याचार और उत्पीड़न को रोकने हो तो और भी ठोस कदम उठाए जाएं और विधि सम्मत कार्रवाई की जाए।